हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ बनाने जा रहे हैं। हम फूड को एक आर्टिस्टिक लुक दे रहे हैं। तो हम पोटैटो से और वेजिटेबल से बहुत ही प्यारा नेस्ट बनाने जा रहे हैं और उसमें बर्ड के एग्स भी होंगे और ये बहुत ही यमी, क्रिस्पी और टेस्टी है। और इसमें वेजिटेबल्स आपको पता भी नहीं लगेंगी और बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे और जो भी आपके घर में गेस्ट आएंगे आपके तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जितना ये देखने में टेम्पटिंग है और सुंदर है उतना खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे। हमारी जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं पूर्णिमा सैगर एंड गुरविंदर कौर, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि हम कोई स्वीट डिश बना के दिखाएं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम बहुत ही प्यारी टेस्टी एक स्वीट डिश लाने वाले हैं। तो आप खुश हो जाइए, आपकी स्वीट डिश आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्यूट टेस्टी वेज नेस्ट और उसके साथ उसमें होंगे ईटेबल एग्स आल्सो। तो उसके लिए हमने लिए हैं, थोड़े से बॉयल करे हैं हमने पोटैटोस, हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, फाइनली चॉप्ड अनियन लिया एक, एक फाइनली चॉप्ड हमने शिमला मिर्च ली है, कैप्सिकम, ये वर्मिसली है, सेवैयाँ हैं, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ये कड़ी पत्ता है, ये कुछ चिली है जिसको हमने छोटा काट लिया है, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स और दूसरे स्पाइसेस यूज़ होंगे। तो अब हम जो हमारे पोटैटोज़ हैं, सबसे पहले हम उनको अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह सारे पोटैटोज़ को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, सारे हमारे पोटैटोज़ अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन, ये हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम, आप कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसमें हमने छोटी बारीक कटी हरी मिर्च डाली है और ये हमने थोड़ा सा लिए कड़ी पत्ता। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, ऑरिगेनो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, उससे टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। और थोड़े से हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब हम डालेंगे इसमें, आप डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार, आप डाल सकते हैं कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद है। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स और अब हम सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐसा करेंगे, थोड़ा सा पहले हैंड में हम ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद हमने ये देखिए इसको ऐसे कर देना है, नेस्ट की शेप में इसको कर देना है। पहले आप इनको ऐसे सबको बना के रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें लिए हैं 2 स्पून्स हमने बड़े लिए हैं मैदा के एंड 2 स्पून्स हमने लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। इसमें हमने नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया है। अब इसका हम स्मूथ बैटर बना लेंगे, पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके। तो एक बहुत ही स्मूथ बैटर बनाना है, ना ज़्यादा बहुत थिक हो और ना ही ज़्यादा बहुत थिन होना चाहिए वो। तो फ्रेंड्स, इसको हमने इसमें डिप कर देना है अच्छे से इस सॉल्यूशन में, सारे से अच्छे से हमने इसको लगा देना हर तरफ से। और इसको फिर बाद में हल्के से हाथ से ऐसे निकाल देना ताकि अंदरली साइड जो भी मैदा है वो निकल जाए। अब इसके बाद हमने इसमें इसको डिप कर देना, ये देखिए इसको सारी तरफ से ऐसे चिपका दीजिए, बैक साइड पे भी आप अच्छे से लगा दीजिए। ये देखिए आ रहा है ना नेस्ट का लुक, बिल्कुल अच्छे से इसको ऐसे लगा के और हम सारे ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए, एक हमने एक पहले बना लिया, इसी तरह हम सबको तैयार कर लेंगे। देखिए मोस्टली हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये देखिए इस तरह अच्छे से आपने सारे इसको चिपका देना है। ये देखिए ये इस तरह बन गए हैं और ये देखिए ये भी सारे इधर बन के तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम उसमें एक एक करके ये जो हमने नेस्ट बनाए हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे।
ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गैस को हमने लो मीडियम रखना है ताकि वो अंदर तक पक जाए। तो एट ए टाइम हम फोर डाल लेंगे। तक हमारे नेस्ट तैयार हो रहे हैं, हम एग्स तैयार कर लेते हैं। हमने कॉटेज चीज़ लिया है, इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें हम मिलाएंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे, इसमें हम हल्का सा मिलाएंगे चिली फ्लेक्स मिला देंगे हल्के से, और इसमें हम डाल देंगे ओरिगेनो, ओरिगेनो डाल देंगे, और हम इसमें डाल देंगे हल्का सा नमक, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे, एग्स बना लेंगे छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम छोटे छोटे एग्स बना देंगे नेस्ट में रखने के लिए, कितने क्यूट लग रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स ये एक तरफ से क्रिस्प हो गए हैं, अब हम इन्हें टर्न कर देते हैं। बहुत ही सुंदर देखने में लुक आया है इनका, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो देखिए ये हमारे जो नेस्ट हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कोई गेस्ट आए तो आप बनाएंगे तो वो आपकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो आप ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हम बाकी के भी जो हैं उनको इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा सेकंड बैच भी बन के रेडी हो गया है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं ये देखिए। अब हमारे जो रह गए हैं उनको भी हम ऐसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये हमारा लास्ट बैच है, उसके बाद हमारे सारे नेस्ट बन के रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट बैच बन के रेडी हो गया है, इसके बाद हम अपने नेस्ट को सजाएंगे एग्स के साथ, और बहुत ही यमी टेस्टी डिश बन के तैयार होने वाली है। अब इसी में हम क्या करेंगे, जो हमने एग्स बनाए हैं उनको बस 2 मिनट के लिए हल्का सा ही करना है, हमने फ्राई ज़्यादा नहीं करना है, बस फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ये नेस्ट बन के रेडी हैं, अब हम इन्हें नेस्ट लुक देने के लिए यहाँ पे हम लीव्स लगा देंगे। मैंने कड़ी लीव्स ली हैं और पुदीना लीव्स, और इसमें हम रख देंगे जो हमने एग्स बनाए थे वो रख देंगे। 3 eggs जितने आ सकते हैं आप रख दीजिए, 1 या 2 जितने आ सकते हैं eggs। इसी तरह हम ये देखिए ये पुदीना लीव्स है, मिंट लीव्स हैं, ये देखिए हमने यहाँ लगाया इसे, और यहाँ पर भी हम जितने eggs आ सकते हैं लगा देंगे। हम 3 eggs सब में रख देंगे। ये देखिए कितना सुंदर आ रहा है लुक, और ये देखिए इस तरह हम सारे नेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे कितने यमी टेस्टी नेस्ट बन के तैयार हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये, और ये देखिए इसमें हमने एग्स भी लगा दिए, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, मैं एक आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने टेस्टी बने हैं ये, और आप भी ये ज़रूर बनाइएगा। और हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट टाइम हम इससे भी क्यूट और सुंदर रेसिपी लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।